हेलो एंड वेलकम टू बिग ब्राउन किचन। और आज हम देखेंगे कि एकदम स्ट्रीट स्टाइल राम लड्डू हम घर पे कैसे बना सकते हैं। हमारा जब भी राम लड्डू खाने का मन करता है तो हम बाहर जाते हैं, या फिर स्पेसिफिकली राम लड्डू के लिए बाहर ना जाकर उस राम लड्डू के ठेले को देखकर तो हर किसी का मन कर ही जाता है कि राम लड्डू खा ही लेते हैं। इसका मतलब कि हम हमेशा बाहर से ही राम लड्डू खाते हैं। पर आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिससे आप राम लड्डू घर पर बना सकते हैं, वो भी मार्केट से बहुत ही अच्छे। तो आइए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। राम लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3/4 कप मूंग दाल और 1/4 कप चना दाल ली है, और इन दोनों दालों को हमने 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। और अब हम दाल को अच्छे से धोकर एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। और अब हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है। और अब हम दाल का एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे तो। आप देख सकते हैं हमने दाल को बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, हल्का दानेदार रखा है। और अब हम दाल को एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और दाल को बहुत अच्छे से फेंटेंगे। दाल को आप सिर्फ और सिर्फ हाथ से ही फेंट सकते हैं, ना किसी स्पून से ना किसी विस्कर से, क्योंकि दाल को फेंटने का जो इफ़ेक्ट हाथ से आएगा वो किसी स्पून या विस्कर से नहीं आ पाएगा। आपको दाल को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। इस प्रोसीजर में दाल बहुत अच्छे से फूल जाएगी। और ये देखो आप डिफरेंस देख सकते हो कि दाल कितने अच्छे से फूल गई है, और आप इसे चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लिया है और इसके अंदर हम थोड़ा सा दाल का मिक्सचर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि दाल जो है ऊपर ही तैर रही है और नीचे डूब नहीं गई है। इसका मतलब कि हमने दाल को अच्छे से फेंटा है और ये बिल्कुल परफेक्ट है राम लड्डू बनाने के लिए। दाल रेडी है तो अब हम इसमें मसाले डालते हैं। हम ऐड कर रहे हैं 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच जीरा। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। रिफाइंड ऑयल को हम हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। राम लड्डू के लिए हमें मीडियम गरम तेल की ज़रूरत है ताकि जो राम लड्डू है वो अंदर और बाहर दोनों जगह से अच्छे से पक जाए। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम मिर्च के पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली हैं, उनको हम बीच में से काट लेंगे इस तरह। और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा सारा मसाला डाल देंगे। हमने ऐड करा है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी खटाई, थोड़ा सा चाट मसाला और साथ ही थोड़ा सा धनिया। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। मिर्च हमारी रेडी है और अब हम चलते हैं तेल की तरफ। तेल गर्म हो चुका है और अब हम राम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम हाथों में लेंगे और इस तरह कढ़ाई में डाल देंगे। पकौड़ों को तेल में डालने के बाद हम इनकी साइड चेंज करते रहेंगे और इन्हें पलटते रहेंगे और चारों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेकेंगे। पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है ताकि जो राम लड्डू है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। राम लड्डू को सिकने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और फिर हम इन्हें कढ़ाई में से निकाल लेंगे। सिंपल राम लड्डू बनाने के बाद अब हम मिर्च के पकौड़े बनाएंगे। जो मसाला भर के मिर्च हमने तैयार करी थी उसको हम दाल में अच्छे से कोट कर लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। और इसी तरह हम दूसरी मिर्च को भी दाल में अच्छे से कोट करके कढ़ाई में डाल देंगे। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा ऑयल दोनों मिर्च के पकौड़ों के ऊपर डाल देंगे ताकि जो मिर्च का पकौड़ा है वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। और फिर 4 से 5 मिनट के बाद जब आपको लगे कि मिर्च का पकौड़ा भी थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम बना रहे हैं पालक वाले राम लड्डू। तो हमने 4 टेबलस्पून जो वो दाल का मिक्सचर था वो लिया है, उसमें 1/2 कप बारीक कटा हुआ पालक डाला है। पालक को हमने अच्छे से धो लिया, फिर उसको हमने बारीक काट लिया और इसके अंदर हमने ऐड किया है, और साथ ही 1/4 छोटी चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया है और अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। आप एक बात का ध्यान रखें कि पालक को धोने के बाद आप उसे अच्छे से सुखा लें और फिर काट कर दाल में डालें, क्योंकि अगर आप गीला पालक इसमें डाल देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा और इसके पकौड़े नहीं बन पाएंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथों में लेके इस तरह ऑयल में डाल देंगे और पालक के भी राम लड्डू बना लेंगे।
पालक के राम लड्डू बनाते समय भी हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। पालक के पकौड़े बनाने के लिए आप इसका मिक्सचर तभी तैयार करें जब आपको पकौड़े सही में फ्राई करने हैं। आप मिक्सचर को पहले से बना के नहीं रख सकते क्योंकि जो पालक है वो पानी छोड़ देगा और फिर आप इसके पकौड़े नहीं बना पाएंगे। आप पकौड़े बनाने की प्रिपरेशन पहले से ही कर सकते हैं और फ्राई करने से 1 से 2 मिनट पहले इसका जो बैटर है वो तैयार कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो पकौड़े हैं वो बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इनको भी हम एक किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। राम लड्डू बिल्कुल तैयार हैं और अब हम इन्हें असेंबल करना शुरू करते हैं। मैं इन्हें बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल सर्व कर रही हूँ। एक प्लेट के अंदर हमने यहाँ पर अपने मनपसंद के राम लड्डू लिए हैं। आप चाहें तो जो भी आपके पसंद के राम लड्डू हैं वो ले सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मूली का लच्छा डालेंगे। मूली के लच्छे के अंदर हमने कसी हुई मूली ली है और साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी मिक्स किया है और इसके ऊपर हम चटनी डालेंगे। राम लड्डू की चटनी की रेसिपी भी मैं अपलोड करूँगी इसी वीडियो के बाद और साथ ही इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे। मूली का लच्छा बनाने के लिए हमने मूली को अच्छे से कस लिया था, फिर उसको अच्छे से स्क्वीज करके उसमें से सारा एक्सेस पानी निकाल दिया और फिर हमने उसके अंदर धनिया मिक्स किया है। तो हमारे स्ट्रीट स्टाइल राम लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। जितने अच्छे ये देखने में हैं उससे ज़्यादा अच्छे ये टेस्ट में भी हैं। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन में हमें अपने सजेशंस देना ना भूलें। और अगर आपको भी स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद है लेकिन थोड़ा अनहाइजीनिक लगता है सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप पा सकें उन सारी स्ट्रीट फूड रेसिपीज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उनका टेस्ट भी बिल्कुल बाजार जैसा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एंड आई विल मीट यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।